चैम्बर में लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, मुझे भी बुलाया था आपने, बाकी सारों ने बड़ों वाला रोल प्ले किया, तो आपके हदायत के मुंतजर थे कि सेशन में ही कुछ ज़्यादा यहाँ पे अर्लियर पार्ट में एक इशू के ऊपर गुफ्तगू हुई तो उसको अगर समेट लिया जाए सर। ठीक है सर, व्हाट इज़ द प्लान? मेरा ख्याल है जी लीडर ऑफ अपोजिशन ने और हमने सारों ने एफर्ट की है, दोनों भाइयों को गले मिलवाना चाहिए जी, ये मेरे ख्याल में इस हाउस का हुसन है। ठीक, और बाकी बात अंदर हो गई। जनाब चेयरमैन, और वी अप्रिशिएट द स्पिरिट ऑफ द हाउस फ्रॉम बोथ साइड्स, आपने बड़ा रोल प्ले किया इसमें, और मेरे ख्याल में जब किसी छोटे बड़े से गलती हो तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि इसको रिकंसिलिएशन इज़ द बेस्ट वे। बहुत शुक्रिया आपकी इंटरवेंशन का। नहीं, मुझे खुशी हुई है कि अपर हाउस का जो रोल है वो ऐसा ही होना चाहिए। इज़ अ सेइंग के ट्रू फ्रेंडशिप स्टार्ट्स आफ्टर अ क्वारल, तो इंशाल्लाह ऐसे होगा। एंड प्रीवियसली ऑल वर्ड्स यूज्ड स्टैंड्स एक्सपायर्ड। आप मौजूद थे, ये बकवास मेरे लिए की गई है, इसलिए सब लोग कह रहे हैं कमेटी में जाए। मुझे सब दोस्तों की इज्जत एहतराम है, मैं 3.5 साल से आपके साथ हूँ। वहाँ पे एक शख्स जिसको अपने किरदार का पता है, जो कि सारी याद जेकाबाद और अलकाना में बच्चे ढूंढता है, वो शख्स मेरे जैसे आदमी के लिए जिसको मैं भाई भाई करता हूँ, और 2 मिनट पहले मैं उसके पास जो है उसको मैं टफ ही दे के जाऊँ, वो कहता है उठा के कुर्सी मार दूंगा, ये टाउट है सर हजूरे वाला, ये आज मुझे नहीं, आप ही ने मुझे कहा था कि खड़े होके इसको चुप कराओ, ये बदतमीज आदमी है, शहादत बोलो, नहीं कहा आपके कहने पर। मैंने मेरी गुजारिश सुने चेयरमैन साहब, मेरी गुजारिश सुन लेना, आप मेरी बात सुने। नहीं, मेरी मैं मुझे क्लेरिफिकेशन की इजाजत तो दें। कोई बदतमीज आदमी यहाँ पे बैठा हो ना, मुझे सेनेटर, पहले मैं अवान हूँ उसके बाद मैं सेनेटर हूँ, उस शख्स की मैं बहुत इज्जत करता था, लेकिन उसने, वो उसकी क्या औकात है कि मुझे बुझ जैसे आदमी को कहे कि मैं इसको कुर्सी मारूंगा, ये टाउट है, जो टाउट जो कमीशन एजेंट जो इस किस्म के काम करता है, जिसका ये किरदार है, तशरीफ रखें सर, दुनिया को पता है, पूरे सूबे को पता है, पूरा पाकिस्तान, मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि वो इंतहाई नहीं, बात ये मेरे साथ चूंकि हुआ है, इस वजह से जनाब आप कमेटी बनाना चाह रहे हैं। मेरी जबान उससे लंबी थी, उस वक्त ये वहाँ बात करता तो मैं उसके घर तक पहुँचता, मुझे तो ये तवक्को थी कि वो बाहर, मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं जाऊँ। सेम इज बीइंग रिपीट, आप इसको चुप कराएं। देखें वो जो मेरी गुजारिश सुनिए, अपना शहादत आवान साहब, अब आप तशरीफ रखें, आप बैठे। शहादत आवान साहब, आप प्लीज हाउस को खराब ना करें, आप तशरीफ रखें। मसरूर साहब आप बैठें, आप बैठिए, क्या करें।
लेडीज डियर सेनेटर्स, द हाउस इज एडजर्न्ड फॉर 15 मिनट्स, वी विल मीट आफ्टर 15 मिनट्स अगेन। और मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से कोलीग्स मामलात को ठंडा करें, 15 मिनट बाद हम दोबारा इजलास शुरू करेंगे। थैंक यू।